बिग बॉस 14 के फिनाले में अब केवल 2 हफ्तों का समय बचा है। ऐसे में घर वाले अपनी जगह बनाए रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही अभिनव शुक्ला को बिग बॉस 14 के घर से बाहर कर दिया गया। ऐसे में अब घर के बाकी सितारों पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में फैंस लगातार अपने चहेते सितारे को सपोर्ट करने में जुटे हैं। यही वजह है जो बिग बॉस के सितारे सोशल मीडिया ट्रेंडिंग में छाए रहते हैं। इसी बीच जासमिन भसीन और पारस छाबड़ा ने राहुल वैद्य को लेकर एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है जिसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जासमिन और पारस ने बिग बॉस 14 के घर में इस बात का खुलासा कर दिया है कि राहुल वैद्य सोशल मीडिया ट्रेंडिंग में बने रहने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। सोशल मीडिया पर जासमिन भसीन और पारस छाबड़ा की एक वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो में जासमिन और पारस आपस में बात करते दिख रहे हैं। वीडियो में जासमिन पारस से कहती दिख रही हैं कि राहुल वैद्य अपनी पीआर टीम को 5 लाख रुपए दे रहे हैं। राहुल वैद्य की पीआर टीम इस बात का पूरा ख्याल रख रही है कि उनका नाम सोशल मीडिया ट्रेंडिंग में बना रहे। ये बात बोलकर जासमिन भसीन कहती है कि उनको घर के बाहर की बातें शो पर नहीं करनी चाहिए। इसी बीच राहुल वैद्य भी जासमिन भसीन और पारस छाबड़ा के पास पहुंच जाते हैं। अपने बारे में ये सब बातें सुनकर राहुल काफी हैरान नजर आने लगते हैं। अब ये तो हर कोई जानता है कि बिग बॉस 14 के विनर बनने के लिए फैंस का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। राहुल वैद्य ये बात अच्छे से जानते हैं, तभी तो उनकी फ्रेंड दिशा परमार लगातार सोशल मीडिया पर उनको सपोर्ट कर रही है। बीते हफ्ते से ही राहुल वैद्य का नाम सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। फैंस का मानना है कि इस बार राहुल वैद्य बिग बॉस 14 का विनर बनने वाले हैं। तो क्या लगता है आपको, कौन बनेगा बिग बॉस 14 का विनर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए।